मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? शिशु जाएंगे, घूमी घूमी जाएंगे। हाँ चलो, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। आज लेट हो गया है और मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे चार्जर में लगा के जाना पड़ेगा। 12% बैटरी। ओके चलो घूम के आते हैं। वो देखो कौन है, वो खरगोश। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बेबो मैडम ना कल बेबो के लिए दाल चावल लेकर आई थी, थोड़ा घी डाल के, तो कल मैडम अच्छे से खाई थी, आज नहीं खा रही है। आज सिर्फ पानी पी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा खाना खाई है, बस हो गया। नखरीली हो गई, बहुत नखरीली। ओके बेला नहीं आ रही, बुलाओ उसको। खाना खा ले बेटू, गुड गर्ल। देखा ओ नखरीली औरत, देखो हाँ खा ले बेटू, खा अच्छा है। हाँ मैडम अभी गुराते हुए आई हैं अभी, ठीक है? उसका बेला को क्यों मिल रहा है करके, तो तुम नहीं खाओगी तो किसी ना किसी को तो दूंगी ना। हेलो, तो खाना है तो खाओ, नहीं तो रख दूंगी मैं। नहीं खाना है, यहाँ पे कहीं रख दूंगी, खा लेंगे बाद में। तो ये क्या हुआ है ना, अंकल लोग वहाँ पे बेला को डेली खाना देते हैं, मतलब देते थे, तो बेला को दोनों टाइम उसको खाना मिल जाता है। बट अभी क्या है ना, वो ग्रीन वैली के ही दो डॉग्स, मतलब उन लोग बाहर के ही थे, एक ब्लैक डॉग और एक उसी की दोस्त है कि बहन है यार उन्होंने, बट वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। वो ब्लैक वाला इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है ना वो ब्राउन के लिए, ब्राउन डॉग के लिए, तो उसको कभी अकेला छोड़ता नहीं। तो वो ब्लैक और ब्राउन डॉग दोनों ही वहाँ पे अभी शिफ्ट हो गए हैं अंकल के यहाँ। तो अभी खा रही हैं वो ब्लैक डॉग और ब्राउन डॉग, वो दोनों ना वहाँ अंकल के गेट के बाहर रहने लगे अभी, तो इसलिए अभी बेला वहाँ नहीं रह पाती, क्योंकि वो दोनों भगाते हैं उसको। मेनली जो फीमेल वाली डॉग है ना ब्राउन वाली, वो भगाती है बेला को, इसलिए अभी इसको उतना खाना नहीं मिलता। पतली भी हो गई है बहुत, बहुत स्किनी हो गई है पहले से, तो इसलिए मैं कल से क्या कर रही हूँ, मैं बेबो और बेला दोनों के लायक ही खाना लेके आ रही हूँ, कि बेला हमेशा नहीं दिखती, कभी अगर दिख गई तो दोनों को ही साथ में दे दूँगी, आज दिख गई तो आज खा ली। तो ये अभी इतना सा खाना बचा है इन दोनों के खाने पर, बेबो ज़्यादा खाए नहीं है, थोड़ा सा खाई है, बेला अच्छे से खाई है। तो मैं कोई एक पेपर टाइप का कुछ मिल जाता ना तो उसमें डाल देती, क्योंकि मैं ये बोल छोड़ के जा सकती थी टिफिन डब्बा, लेकिन वो यहाँ रहेगा ही नहीं, कल मिलेगा ही नहीं, तो लेकर चले जाते हैं वो टीना डब्बा उसे उठाने वाले आते हैं ना हम लोग, तो मैं ना किसी में डाल देती। ये सही रहेगा, इसमें डाल देते हैं। हाँ जा बेटू, आज अच्छा डाल दू। बेलों को कभी खेलना रहता है, कभी कूदना रहता है, कभी काटना रहता है एक दूसरे को, ठीक है? अजीब ही प्राणी है भाई तुम दोनों। ओ देखो गुरा रही है बेला, हाँ खेलो खाओगे। तो अभी है ना मैंने अंकल से पूछा कि कोई पुराना गमला वगैरह है क्या इन ये गेट के बाहर,
थोड़ा उसमें पानी डाल के रख देंगे कि अभी ये बेला और मेरे बेबो, बेला और बेबो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते प्यास लगा होगा, तो बेबो मेरे बैग में से बोतल निकाल के ले जा रही थी क्योंकि उसको पता है ना उसमें पानी रहता है, तो इसलिए इतनी गर्मी है यार, इतना प्यास लगता होगा इनको, तो इसलिए अंकल ये बाल्टी में पानी लेकर आए हैं और कोई गमला लेने गए हैं, तो अभी रख देंगे हम लोग। बस बस आप दूर नहीं जाना बेबो, कमान कमान आप चलो। गेट खुला रह गया था ना तो बेबो आई है अंदर, बेबो आजा, उसको बहुत प्यास लगता था, यहाँ पानी रखा था तो उसी में से पानी पी ली, देखते हैं कुछ करेंगे। हाय बेला। हाँ बेटी। हाँ ठीक है, बाद में गमला लगा देंगे। बहुत दिन बाद दिखी, वो डॉग्स वहाँ रहते हैं करके ये आ नहीं पाती है। रुको पहले पानी पी लेती हूँ मैं। हाँ हाँ भूल गया, अब कहाँ है वो बेबो, अभी बताती हूँ उसको। बहुत दंगल करेगी मेरे साथ, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्या है कि एनर्जी थोड़ा सा ना कम हो गई। थक गया इतना काम करके आए, मिट्टी उट्टी खोद के आए इधर उधर से हैं। खोद क्या है, मिट्टी खोद क्या है। हाँ काम देखो उसके, कंगारू जैसे बना के रखे गधा। हाँ क्योंकि पानी पिया, जैसे पानी पी के चल। हो गया खाना, हो गया खा लिया, अच्छा खाया। गुड बॉय स्ट्रेचिंग। अभी दरवाजे के सामने जाके खड़े होने की जरूरत नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे सोने से पहले, ठीक है सुसु पट्टी सोने से पहले। सुसु पट्टी घूमी घूमी सुसु सुसु पट्टी स्ट्रेचिंग।